सिद्धार्थनगर जिले की एसओजी सर्विलांस और बासी थाने की पुलिस ने मोबाइल टावरों से बैटरी चुराने वाले गैंग के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से चोरी की 8 बैटरी, चोरी में इस्तेमाल होने वाली पिकअप और 20,000 नकद के साथ चोरी के उपकरण भी बरामद किए हैं। पकड़े गए दोनों अभियुक्त अब्दुल हाशिद और अब्दुल हक सिद्धार्थनगर जिले के निवासी हैं। बैटरी चोरों की गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए सिद्धार्थनगर जिले के अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ ने बताया कि पिछले कई दिनों से सिद्धार्थनगर जिले के मोबाइल टावरों से बैटरी चुराने की घटनाएं सामने आ रही थीं। इन घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए पुलिस और एसओजी की टीमों को इसके अनावरण के लिए लगाया गया। इसी क्रम में आज सुबह बांसी कोतवाली क्षेत्र के काजी रधौली नहर पर स्थित पुल के पास से दो संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इनसे कड़ाई से पूछताछ करने पर उनके पास से चोरी की 8 बैटरी, एक पिकअप, 20,000 नकद और 2 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए गए। जनपद के थाना बांसी, मोहाना व पथरा बाजार में मोबाइल टावर्स के जो मोबाइल के टावर लगाए गए थे उसमें बैटरी चोरी की घटनाएं घटित हुई थी, जिसके संबंध में संबंधित थानों पर मुकदमा लिखा गया था। क्योंकि प्रकरण कम्युनिकेशन से जुड़ा था, अतः पुलिस अधीक्षक महोदय ने इसकी महत्ता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया, जिसमें जनपदीय एसओजी सर्विलांस तथा थाना बांसी के कर्मी सम्मिलित किए गए थे। उक्त टीम द्वारा वैज्ञानिक तरीके से काम करते हुए आज काजी रुदौली पुल के पास से दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।